रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एसाइल कंपाउंड टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखो। अगर यहां पे एक्स है, ठीक है, सी ओ ओ सी ओ आर एनहाइड्राइड है, फिर इसके बाद एस्टर होता है, ओ आर होता है, ठीक है, और इसके बाद अमाइड होता है डेरिवेटिव में, अमाइड सबसे बाद में, ठीक है। हैलाइड निकला जो ज्यादा स्टेबलाइज एनायन हो जाए, तो जब हैलाइड में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो एनायन बनते हैं वो ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, और इनमें जो आयन निकलेगा उसकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। भाई यहां से मान लो निकला, हम कंजुगेट पार्ट पे बात कर रहे हैं, एक्स नेगेटिव, ओ सी ओ आर नेगेटिव, लिविंग एबिलिटी बी बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, अच्छा ये भी हमें हटा दो, तो क्या हटाओ, क्या लिखोगे, ओ आर नेगेटिव और एन एच टू नेगेटिव, एन एच टू नेगेटिव, बीग बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो सबसे बीग बेस कौन है, देख ले, एक्स नेगेटिव इज अ बीकेस्ट बेस अमंग देम, ठीक है, और एन एच टू नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग देम, हो गया। अगर एसिड भी आए तो एसिड इसके जस्ट इसके बाद आता है, तो देखो क्या होगा, एसिड एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड के बाद एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड, ऑप्शन डी, दिस इज द ऑर्डर फॉर द दिस दैट रिएक्शन।